कार्यालय में आप थे, आज नेताजी की जयंती समारोह थी, उसमें क्या संदेश है? आज नेताजी की जयंती पर जी हम अपने तरफ से संपूर्ण जनपद बलिया के समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित किया हूँ। दुनिया में बहुत से राजनीतिक लोग आए और गए, लेकिन नेताजी जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, जिन्होंने देश में हर वर्ग के लिए सोचा, गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, छात्रों के लिए, एक एक काम उन्होंने जीवन में किया है, उनका इतिहास जो है अमर है। जैसे सीमाओं पर काम करने वाले नौजवानों को उनकी सोच कोई नहीं लेता था, जिनकी बेल्ट और टोपी घर में आया करती थी, उनको राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि, उनकी बाड़ी को गांव तक भेजना, एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व फैसला जो है नेताजी अपने जीवन में लिए थे। छात्र का यहाँ सवाल है, जब 2003-04 में सरकार बनी थी तो बैठते ही बैठते जो है अपने क्रम से फला फैसला उन्होंने लिया कि छात्र संघ की बहाली हो। किसान जो कोई पूछता नहीं था, अपने आज़ादी के बाद किसी भी देश में नहीं था, प्रदेश में लागू नहीं था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो है किसानों के लिए उसमें 1 ही लाख रुपया दिए थे, किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ है, जो किसी ने सोचा नहीं था। किसानों की लड़ाई में ये नहीं सोचते कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा कौन सा प्लेटफार्म है। एक लड़ाई शुरू हुई थी कोरोना, जिसमें उनके सारे नेता और नेताजी सभी लोग जेल में रहने का काम किए थे। तो नेताजी एक अद्वितीय छवि के थे, उनके अंदर अदम्य क्षमता थी, उनके अंदर लड़ने का साहस था और सही के साथ खड़ा होने के लिए उनके पास कितनी प्रतिबद्धता थी। और छात्र से लेकर के नौजवान से लेकर के बीमार से लेकर किसान से लेकर के सबके विषय में उन्होंने सोचने का काम। सांसद जी, नेताजी का लगाव बलिया से बहुत रहा है, बार बार वो आते रहे हैं, छोटे बड़े चुनाव में भी वो शामिल होते रहे, उनके साथ बड़े बड़े नेता भी जनेश्वर मिश्रा से लगाए, चंद्रशेखर जी से लगाए, तमाम बड़े नेता एक मंच पर होते थे। क्या आपको लग रहा है, आप भी कुछ समाजवादी पार्टी में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मुलायम सिंह का कुछ ऐसा सपना रहा हो बलिया में जो अधूरा है, उसको पूरा करना है? नेताजी ने हमेशा समाजवाद को बढ़ावा दिया और जब तक जिंदा रहे, जब तक चंद्रशेखर जिंदा रहे, समाजवाद को मजबूत करने के लिए हमेशा उन्होंने अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का साथ देने का काम किया चुनाव में जी। उसके बाद भी उन्हीं के परिवार के बेटे नीरज शर्मा को राजनीति में लाकर कर वो पद प्रतिष्ठा उन्होंने देने का काम किया। जो भी उनका यहाँ के लोगों की आवश्यकताएं थी, जो यहाँ के लोग हमारे सांसद थे उसमें नीरज शर्मा जी, इन्होंने जो भी बताया, सरकार में थे जो भी सरकार के हमारे मंत्रियों ने विचार रखा, चाहे वो उनका चौधरी, चाहे नारद राय, चाहे उस समय के तत्कालीन मंत्री राम गोविंद चौधरी हो, चाहे मोहम्मद रिजवी साहब हो, चाहे हमारे के विधायक है, इन्होंने जो भी बलिया के लिए मांगा नेताजी ने अखिलेश जी की सरकार में सब कुछ देने का काम किया जी। एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जोड़ने के लिए जनेश्वर में सेतु बना, लेकिन विडम्बना ये रही कि वो सेतु कम्प्लीट तो हो गया लेकिन संपर्क मार्ग भी जुड़ नहीं पाया, इस पर कुछ पहल होगी क्या आपकी तरफ से? यहाँ बेमान अधिकारियों की भीड़ मची हुई है जनपद में, और खास तौर से पीओडी जो है बेमान अधिकारियों का अड्डा बना हुआ है जी। उस सड़क के पूरा करने के लिए जब प्रभारी मंत्री जो वाराणसी यहाँ पर मिश्रा जी आए थे और कलेक्टर साहब मौजूद थे, तो भी मैंने इस काम को कहा था कि यह दो राज्यों को भी जोड़ती है सड़क, और हमारे जनेश्वर में क्षेत्र को बने में बहुत दिन हो गया, इसका अप्रोच मार्ग पूरा नहीं हुआ, इसको बनवाने का काम करें जी। अगर ये अपना काम 2 महीने के अंदर नहीं प्रारंभ कराते हैं, जिनके पास पैसा मौजूद है, तो 2 महीना बाद जो है जो एक हमारा वो तरीका है जो हमारी संघर्ष आंदोलन का, उसके उसके खिलाफ जो है हम किसानों के पक्ष में मुआवजा देने के लिए और सड़क को समय से निर्माण करने के लिए हम सदन से सड़क तक खड़े। अच्छा, आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल, जनहित से जुड़े चीज़ें उस ठीक चल रही हैं पटरी पे? जब 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 अजस्ट अस्पताल में एक लीगल एक्सरे के लिए व्यवस्था न हो, जिस अस्पताल में MRI की एक मशीन न हो, जिस अस्पताल में एक TPP मॉडल पर
सिटी स्कैन मशीन लगी है वो जो है 6 महीने से ऊपर से बंद हो, तो कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे अस्पताल में जो है व्यवस्था है? हमारे अस्पताल दो व्यवस्थाओं का शिकार है, इनके डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं और यहाँ के कलेक्टर भी उस चीज को जानते हैं कि बलिया में हमारे पास लीगल एक्सरे के लिए कोई वो व्यवस्था नहीं है, हमारा ये MRI मशीन की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारा सीटी स्कैन की मशीन खराब है। कलेक्टर साहब भी जानते हैं, कलेक्टर साहब से बात भी हुई थी, उन्होंने मुझसे भी कहा था कि मैं प्रमुख सचिव को लिखा हूँ जल्द से जल्द जो है आपका जो है ये दोनों चीजें चालू हो। अच्छा, समस्याओं में चल रही जी जी, तो आपने क्या सोचा है बलिया के लिए? अब देखिए, बलिया राजनीतिक जनपद है, बलिया के लोगों ने मुझे सम्मान देने का किया है। हम सदन के दौरान इन प्रश्नों पर लीगल नोटिस यहाँ के कलेक्टर यहाँ के सरकार को देने का मैं काम करूँ। उसके बाद से जो हमारा है, जो 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 जनता ने हमको जिस लिए चुना है, अगर ये अधिकारी और ये प्रशासन के लोग और ये सरकार नहीं मानती है, तो हम आपके लोकतांत्रिक तरीके से जो है अस्पताल के सामने बैठेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से जो है जहाँ ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस हर भ्रष्टाचार के खिलाफ उनमें सड़कों पर बैठने का काम करूँगा जहाँ से जनता का लगाव है और जनता दुर्व्यवस्था की शिकार हो। मेरा आखिरी सवाल है सांसद जी आपसे, 6 महीने हो गए आपके, 6 महीने में सबसे ज्यादा समस्या जनता की जो समस्या रही, जो आपके टेबल पे जो आपके स्तर तक है, वो किस तरह की समस्या ज्यादा? हमारे सबसे अधिक समस्या जो है लोगों के इलाज में पैसे के लेकर के आई, और जो भी आया होगा मेरे पास, चाहे मेरा हमारा मतदाता हो न हो, बलिया के कोई भी आदमी और बलिया के अदर भी अगर मेडिकल के शॉप में मेरे पास कोई आया होगा, तो मैं उसको प्राथमिकता के आधार पर उसी दिन जो है मैं मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री को पत्र देने का काम किया हूँगा। लगातार मैं देख रहा हूँ कि लगभग 3 दर्जे से ऊपर लोगों को जो है ये लाभ इतने कम समय में मिल चुका है, जिसका मुझे वो लोग मुझे आशीर्वाद भी देने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज से संबंधित है, बलिया में सबसे बड़ी समस्या जो है इलाज से संबंधित है, और इलाज क्या कोई भी व्यवस्था। अच्छा, थाने स्तर से पुलिस चौकी स्तर से कोई मामले आते हैं कि नहीं? अब देखिए, मामले आते हैं, जो उचित होता है उसको उचित कार्रवाई के लिए कह दिया जाता है, हो जाता है, हो जाता है। छोटे मोटे झगड़े वगैरह के लिए कोई कोई दिक्कत नहीं? सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है।